कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर मतदान हो चुका है और बची हुई 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। कर्नाटक में मुस्लिम करीब 13% हैं, 9 मुस्लिम नेता विधायक हैं और सभी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। राहुल ने कर्नाटक के बाद ओडिशा में भी बाउंसर फेंका और नया शब्द लेकर आ गए पान। बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने ओडिशा की जनता को पान दिया। पान, पान का मतलब स्टेट को पांडियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAA NN, और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम 9 लाख करोड़ रुपए, लैंड ग्रैब 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए, प्लांटेशन स्कैम 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। देखिए बहुत हो गया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया में राहुल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो टोपी पहने हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, जहां वो देश में कब मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा उस पर जवाब दे रहे हैं। इफ एंड व्हेन यू डू हैव अ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी अ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज़ ही इज द मोस्ट कैपेबल पर्सन। राहुल इस चुनाव में हर रैली में आरक्षण की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। अमित शाह ने राहुल से कुछ सवाल पूछे। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने किसके कोटे से दिया? ओबीसी के। तेलंगाना में मुसलमानों को 5% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने किसके कोटे से दिया? एससी एसटी और ओबीसी के। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अमित शाह ने इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी एसटी ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। राहुल जो आरक्षण और संविधान बदलने का तीर चला रहे थे, मोदी ने शहजादे पर वही तीर महाराष्ट्र में चलाया। मोदी ने कहा, मराठाओं के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज का शहजादे ने अपमान किया है, आगे शहजादे की जान हिंदुओं के गहनों और संपत्ति पर अटकी है। मोदी जब जब राहुल पर शहजादा कहकर हमला करते हैं, कभी उनके तेवर बहुत तल्ख होते हैं तो कभी वो समझाने के अंदाज में बोलते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मोदी ने बार बार शहजादा बोलकर राहुल को कटघरे में खड़ा किया। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शहजादे, उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की
महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। साथियों, कांग्रेस ने एक और ऐसी घोषणा की है जो महाराष्ट्र के हर मतदाता को जानना जरूरी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जब यूपी आते हैं तब शहजादा शब्द अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ उनके निशाने पर दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश होते हैं। नरेंद्र मोदी शहजादे शब्द से कई प्रहार अपने विरोधियों पर करते हैं। तुष्टिकरण, परिवारवाद, करप्शन, हिंदू आस्था पर चोट। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। शहजादे शब्द से मोदी राजनीति की दो धारा की बात लोगों को समझाना चाहते हैं। एक धारा जो राम मंदिर और हिंदू आस्था का सम्मान करती है, और एक धारा जो औरंगजेब वाली सोच के साथ चलती है। औरंगजेब वाली सोच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या जाने से रोकती है। दो चरण के बाद यूपी में चुनाव धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां राम मंदिर और राम लहर का असर सबसे ज्यादा है। अगर चुनाव धर्म की पिच पर आया तो मोदी विरोधियों को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। एक एक वोट के लिए जूझना होगा और सिर्फ 20% वोट पर सिमट जाएंगे। इसका असर मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, अमेठी, रायबरेली सब जगह पड़ेगा। मोदी ने कांग्रेस पर चुनाव में आतंकवादी संगठन पीएफआई की मदद लेने का आरोप लगाया। पीएफआई वही संगठन है जिसे आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों की वजह से सरकार ने बैन कर दिया है। उसके नेता जेलों में हैं, लेकिन कांग्रेस उसी खतरनाक संगठन को लाइफलाइन मानकर चल रही है। अब पीएफआई पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है। इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है, और उसके एक एक कारनामे जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे।
और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तिस्मार खां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा, आपके वोट की कीमत से पिछले 10 साल से ऐसी मजबूत सरकार को काम करने का मौका मिला जिसने सीमा पार से एक्सपोर्ट होने वाले आतंकवाद को जड़ से खत्म किया और आतंकवाद को पालने पोसने वालों को रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण? ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं, ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है।